आप देखेंगे ना फोर्चित बस एलुमनी, सेकंड है गया, तीसरा है सारनाथ का जो कि पांच दूसरे को उपदेश दे रहे। जो लेटे है ना कुशीनगर गोरखपुर का है, बुद्ध महापरिनिर्वाण से शरीर को त्याग कर दिया। देखिए जैसे जैसे देखिए बौद्ध धर्म में चार धाम होते हैं, ऐसे हमारे सॉरी जैसे हिंदू धर्म में चार धाम होते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में चार धाम होते हैं। चार धाम का मतलब होता है हमारा लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर। इसी चार प्लेस को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ की प्रतिमा और स्टेचू बनाए गए। लेकिन सबसे अच्छे प्लेस सारनाथ, सारनाथ एक ऐसा प्लेस जहाँ भगवान बुद्ध ने पांचों शिष्यों को पहले उपदेश दिए धर्मचक्र परिवर्तन का। जिस जगह भगवान बुद्ध उपदेश दिए हैं उसी का देखिए ब्रांच को शाखा कहते हैं, बौद्ध ट्री कहते हैं। आप जो गया में देखेंगे वृक्ष उसी का है, कली है, इसको पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में लोग कहते हैं, इसी को बहुत शुभ माना। इसका निर्माण 1931 में लगाया गया है जो कि बौद्धिस्ट लोग ने लगाया है, क्योंकि थाईलैंड के बौद्धिस्ट लोग। ऊपर आप देखेंगे हमारा होता है ज्ञान मुद्रा, इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये वाला होता है हमारा धर्मचक्र मुद्रा, इस साइड धर्मचक्र होता है, बीच वाला होता है आशीर्वाद मुद्रा। आशीर्वाद मुद्रा का मतलब होता है जो उंगली माला डाकू था, जो उंगली माला जो लोगों की उंगली काट लेता था, बुद्ध ने इसी मुद्रा में उसको आशीर्वाद दिया और अपने अपने साथ साथ बुद्ध ने अपने पांच शिष्यों को उद्देश्य दिए। क्या उद्देश्य दिए? धर्मचक्र परिवर्तन, जो उनके पाँच शिष्य थे कुंडली, बप्पा, भव्या, महानामा, ये उनके पाँच शिष्य थे जो कि बौद्ध धर्म का पालन, इसी जगह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ अलग अलग देशों में, चाइना, तिब्बत, बर्मा, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अलग अलग कंट्री में बौद्ध प्रचार हुआ। ठीक है, अब होता है ज्ञान मुद्रा। बुद्ध ने बहुत ही कठोर तपस्या किया, बुद्ध के आप देखेंगे जो कि बाल, क्योंकि लोग बाल नहीं शील है, इससे बुद्ध ने सिद्ध पुरुष थे, जब ये क्या कहते हैं जब ये तपस्या करने के लिए बैठे थे जिस जगह पे, वहाँ बहुत सारी गर्मी थी, गर्मी की वजह से उनके मतलब गर्म हो गया, वहाँ से कुछ शील जा रहे थे। 108 सी गौतम बुद्ध के ऊपर विराजमान ठंडा ग्रीस भवन बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। जब देखेंगे कान, क्योंकि इनके कान भी लंबे हो गए, इनके जो हैंड हाथ होते हैं ये हाथ इनके घुटने तक आते थे और इनके पैर में चक्र पाया गया था, शाकुनी चक्र, जिसे शाकुनी राजू पहना गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सुदोधन, इनके माता का नाम था महामाया देवी, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बेटे का नाम था राहुल और इनकी जो मौसी ने गौतमी ने गोद लिया, उन्होंने ये नाम रखा था गौतम, उनकी मौसी ने ही गौतम को गोद लिया था और जब ये ज्ञान प्राप्ति की तब ये गौतम बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, फोटो लेना था यहाँ पे। सुबह में बौद्धिस्ट लोग आते हैं ना मेडिटेशन साधना करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत लोग को शांति मिलता है, इसलिए पीपल का पेड़। देखिए जिस प्लेस पे हम लोग घूम रहे हैं, इस प्लेस का नाम है सारनाथ और पुराना नाम इसका नाम है ऋषि पतन मृगदाय। मृग माने हिरण होता है, पत माने जगह। ऋषि मुनि लोग जो कि यहाँ पे तपस्वी लोग रहते थे, अब यहाँ से लोग चले गए हिमाचल, जो कि बुद्ध के समय में हमारा ये फॉरेस्ट था। बुद्ध कब आए थे? 620 में सारंगनाथ आए थे, सारंगनाथ उन्होंने आए और अपने पांच शिष्य को उपदेश दिया। इसी कारण देखिए यहाँ पे फोर चित्र बने हुए हैं जो कि आप टेंपल पे आप देखेंगे ना, फोर चित्र बस एलुमनी, सेकंड है गया, तीसरा है सारनाथ का जो कि पांच शिष्य को उपदेश दे रहे। जो लेटे हैं ना कुशीनगर गोरखपुर का है, बुद्ध महापरिनिर्वाण से शरीर को त्याग कर दिया, यानी कि बुद्ध की अस्थि को हर प्लेस में रखा गया है, जो कि लुम्बिनी में रखा हुआ है, गया में, सारनाथ, कुशीनगर, चार प्लेस में रखा हुआ है। ये टेंपल आप देख रहे हैं इसको पगोडा डिज़ाइन कहते हैं, पगोडा डिज़ाइन में टेंपल बना हुआ है। जो पगोडा डिज़ाइन क्या होता है, थाईलैंड में, वर्मा में, जापान में और अब यहाँ से चाइना में जाएंगे तो ऐसा वाला टेंपल बना होता है, इसको पगोडा डिज़ाइन कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, इसमें विपासना सेंटर भी होता है, इसमें बौद्धिस्ट लोग मेडिटेशन साधना करते हैं। आगे भगवान बुद्ध की 9 फीट की स्टैच्यू है मुद्रा वाला, जो कि लोग आते हैं दर्शन करते हैं। इस टेंपल का नाम है वाट थाई सारनाथ, जो कि थाईलैंड गवर्नमेंट सरकार की परमिशन से 1931 में इस टेंपल को बनाया गया है। ठीक है, कस्टम देख रहे हैं इसमें 4 लाइन्स है, इसमें अशोका चक्र, अशोक चक्र का मतलब होता है भगवान बुद्ध के अंदर ये चक्र पाया गया था, जब ये पैदा हुए थे ना तो ये चक्र गौतम बुद्ध के पैर के अंदर पाया गया। ये 4 लाइन्स होता है जो कि चार दिशाओं को प्रकाशित करता है, ये उसका प्रतीक होता है, ये चार को प्रतीक होता है, मतलब ये होता है ये लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, चार प्लस को प्रतीक होता है। इसमें आप जो लाइन देख रहे हैं, लाइन उसका प्रतीक होता है, शाकुनी का प्रतीक होता है। जब ये पहला राजा बने उनके पिता सुदोधन ने इनको इसी लॉन में बैठाया था, वहाँ का परंपरा था। सेटअप बुल लगेंगे जो कि खेतरी का प्रतीक था, गौतम बुद्ध खेती थे, इनके पास बहुत सारा खेत था, इसी से अपना बुल चलवाते थे, जो उसमें जो अनाज होता था गेहूँ के दाने। उस साइड होता है हाथी, हाथी मतलब होता है महामाया देवी, जब सौंपने आता है सौंपने में हाथी आता है, कमल हाथ देना, तुम्हारा पहला संतान पैदा होना होने वाला है, हम मानव जाति को बताएगा उसको सांस। ये होता है इंटरलोटस, इंटरलोटस का मतलब होता है गौतम बुद्ध जब स्नान करने के लिए नदी में जैसे ही पैर रखे तो सारा लोटस उल्टा हो गया, उनके पाँव इंटरलोटस ये उसका। अगर आपको असली लग रहा है तो म्यूजियम में रखा हुआ है अशोका स्तंभ, जो सम्राट राजा अशोक ने बनवाया है कलिंगा बारा के, वो म्यूजियम प्लेस में रखा हुआ है, उसमें अशोका चक्र भी है।
इसमें जब बड़ी वाली प्रतिमा देखते हैं इसको बाबियान कहते हैं, जो अफगानिस्तान में था भगवान बुद्ध की, चलो नवाई कहते हैं, जो अफगानिस्तान में था भगवान बुद्ध की स्टैचू जो तालिबानी लोग ने तोड़ दिया था 2001 की घटना, तो उसी का ये कॉपी है। वहाँ तो स्टैचू 200 फीट वाला था, ये 80 फीट है, इसको 80 फीट 9 इंच भी कहते हैं, इसको बाबियान बुद्धा कहते हैं, जो कि अभी देख सकते हैं। इसका उद्घाटन हुआ था 2011 में मायावती के हाथों से हुआ था, जो कि इसमें 4 प्लेस स्टोन को माना गया है। फर्स्ट स्टोन आप देखेंगे सिर्फ की लुम्बनी का है, एंड तक होता है गया का, नाभी तक देखेंगे सारनाथ का, क्योंकि लोटस का एक कुशीनगर का उसमें तो गोरखपुर का स्टोन है, इसी 4 प्लेस स्टोन को मनाया गया है, फिर डिज़ाइन किया गया है, फिर बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है, इसीलिए इसको बाबियान बुद्ध कहते हैं और लोटस बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध लोटस पर खड़े हुए आर्यशीर्वाद होता है, बुद्ध जब सारनाथ से कुशीनगर जाए इस मुद्रा में आशीर्वाद मिलेगा कुशीनगर जाता है, ये उनकी माँ है महामाया देवी। महामाया देवी जो कि गौतम बुद्ध की माँ, जन्म देने के बाद इंस्पायर हुआ क्योंकि बहन थी गौतमी, गौतमी ने ही गौतम को गोद लिया था, उनका नाम रखा था गौतम, ये उनकी माँ जो कि नीलकमल लेके खड़ी हुई है महामाया देवी, उनकी जो पिता इनके उनके जो पति थे सुदोधर, वो चाहते थे कि वो राजा बनेंगे तो सन्यासी, लेकिन वो सन्यासी बने, अपना राज्यपाल गौतम बुद्ध अपने बेटे राम को दे दिया और वो चली गई मोक्ष प्राप्त करने के लिए। फोटो लेना तो आप लोग यहाँ पे खड़े जाइए, मैं खींच देता हूँ, आप लोग यहाँ पे खड़े जाइए।